Hello student, this is the exercise 2.1 and you already know what are the actions and what are their types. तो कुछ दोनों को फॉलो करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सेक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और एज डायरेक्टेड, जैसा आपको दिया गया है वैसा आपको करना है. लुक एट दैट, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन 3/5. हियर 170 यू हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू एक्सप्रेस 3/5 एज अ डिनोमिनेटर 175. आपको इसका डिनोमिनेटर 175 कैसे करेंगे? थ्री अपॉन फाइव दैट इज इक्वल्स टू, फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 175. राइट द नंबर एज दिस 3/5. तो देखिए, या तो आपको ये पहले से ही पता हो, जैसे 35 5 is 175. अगर आपको पहले से ही पता है तो वो नंबर कर सकते हैं, अदरवाइज 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 170. ओके, आपको नहीं पता है तो फिर हम उस नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा नंबर है. ठीक है, जो डिविडेंड पता नहीं था तो उसकी जगह पे एक्स लेट कर लिया है. उसके बाद अब इसे सॉल्व करना है, कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इस 175 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ट्रांसपोज कर देते हैं. ओके, 175 कम से 175 * 3 / 5 इट इज इक्वल्स टू एक्स. जब हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि किस नंबर का हम मल्टीप्लाई 5 में कर दें कि वो 175 हो गए. देखिए, 5 3 13 and 2 5 25 5 5 35 3 35 3 110. It means 3 is your number. 3 तो आपका पहले से लिखा हुआ था. 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ? 35 का. मतलब the number is 35. The number मल्टीप्लाई हो रहा है तो number 35 है. और जो x है, एक्स आपका क्या था? एक्स आपने लिया था न्यूमरेटर. यहाँ न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई है? 105. इट इज ओके. नाउ यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, नाउ सी द सेकंड वन. बी दिया है आपको 4/7, इट्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 20. आपको इसके न्यूमरेटर को कितना करना है? 20 करना है. ओके, राइट द नंबर एज इट इज, जैसे लिखा था वैसे लिख दे रहा है. देन अगेन यू हैव टू राइट द नंबर एज इट इज एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स. फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 20. किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो 20 हो जाए? 4 5 20. इट मींस यू हैव टू राइट 5 बोथ साइड. जो नंबर लिखेंगे आपको उनका मल्टीप्लाई दोनों में करना है. ओके, इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. 4 5 20 एंड 7 5 35. नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 20/35. जो फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा था वो ये. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन. रिड्यूस मीन्स जब तक, अगर कोई फ्रैक्शन आपको गिवन है तो जब तक वो डिवाइड डिविजिबल है तब तक आप उसे डिवाइड करेंगे. जब वो डिवाइड नहीं होगा दैट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब ठीक है, तो आपको वहां तक करना है जब तक वो डिवाइड हो. लुक एट दैट, 42/70. 42/70 का बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 14. 14 3 एंड 14 5. देखिए, अब ये डिविजिबल नहीं होती because 5 not comes within the table of 3, it is not comes to the table of 5, दोनों एक दूसरे के टेबल पर नहीं आते हैं. उनका ये इस जहाँ तक आपको रिड्यूस करना है जब तक वो डिवाइड हो, और जैसे ही वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा वही आपको आंसर. ठीक है, लुक एट दैट, 58/174, 58 1 and 58 3.
ओके दैट इज 1 अपॉन t दैट विल बी रिड्यूस। अब आपको 1 बाय 1 करके अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं, सपोज आपने 2 से पहले डिवाइड किया, फिर 29 आया, फिर इधर एक नंबर आया 8 and 2 82, देन यू हैव टू डिवाइड द नेक्स्ट नंबर 29। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो लेकिन अगर आप लेकिन आपको डिवाइड तो करना ही, और जब तक वो डिवाइड होगा, जैसे ही वो डिवाइड होना बंद होगा, दैट इज द आंसर, वो आपका आंसर। ओके थर्ड, कंपेयर बाय ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये साइन यूज करने हैं। कुछ फ्रैक्शंस आपको दोनों साइड्स में दिए गए हैं और आपको उन्हें कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन कैसा होता है। फ्रैक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, कभी उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और कभी नहीं होते, कुछ सेम नहीं होता, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, सबका एक अलग अलग मेथड है। लेकिन अगर बात करें कि हम एक ही मेथड से सारे करें तो वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से वो सारे के सारे ग्रेटर और लेस फाइंड आउट कर सकते हैं, विच आर ग्रेटर विच आर नॉट। ओके जैसे सपोज 7/8 एंड 7/10 गिवन, अब देखिए न्यूमरेटर तो वैसे ही ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 10 ऑन 7 × 10 एंड 7 मल्टीप्लाई विद 8, 7 10s आर 70 एंड 7 8s आर 56, 7 10s आर 70 एंड दैट इज 56, व्हिच इज ग्रेटर, 70 is greater, it means that is greater. Okay? Again, the two fractions are given. इसमें भी cross multiply करना है, इस number का इधर multiply और 11 का multiply 5 है. Okay? 4 multiply with 9 and 5 multiply with 11. 4 9s are 36. 5 into 11, that is 55. Which one is greater? 55 is greater. Use less than sign. अगर आपने यहाँ less than sign use किया है, इसका मतलब 5 upon 9 ज़्यादा है, यहाँ भी आप less than sign use करें। इस method की help से जो बचे हुए दो options हैं, वो आप solve कर लेंगे। Okay, see. Question number 4. Arrange in ascending order. Arrange in ascending and descending both order. Some fractions are given here and you have to arrange into ascending and descending, दो order में आपको arrange करना है। तो पहले हम check कर लेते हैं, पहले उनके denominators पे देखते हैं, जरा एक 4 है, दूसरा 16 है, तीसरा 32। तो क्या करेंगे, first we have to take a LCM, then convert all the given fraction into a similar denominator। इन सारे जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देना। तो फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 4 16 एंड 32। ओके एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 4 16 32, राइट ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय 1 बाय 1। आप इसे डिवाइड करते रहिए जब तक ये डिवाइड होता है। 2 का 4 होता है, 2 8 का 16 होता है, 2 16 का 32 होता है, 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 8 का 16, 2 1 डिविजन नहीं है, राइट एज इट इज, 2 2 का 4, 2 4 का 8, 2 1 का 2, 2 2 का 4, देन राइट एज इट इज, राइट एज इट इज, 2 1 का 2। ओके जब 1 1 1 आएगा, इसका मतलब आपने इसे डिवाइड कर लिया है। अब इन सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट होगा आपको इन सारे डिनोमिनेटर्स को उतना ही बनाना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब जब आपने इन सब का डिनोमिनेटर एलसीएम फाइंड किया तो वो कितना है, 32, यानी कि आप इन सारे डिनोमिनेटर्स को बनाएंगे 32। ओके write the numbers, write all the and write here 30. Okay, 3, 11 and 25.
लीव सम स्पेस हियर, लुक एट द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको मल्टीप्लाई इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 32। किस नंबर को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाए, 4 8 32। इसका मतलब 8 का अगर यहाँ होगा डिनोमिनेटर में तो 8 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगा, इसका मतलब है आप मल्टीप्लाई 8 का करते हैं। अब नंबर देखिए, इसका डिनोमिनेटर है 16 16 2 32, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 आ जाएगा, इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है 11, लिख दीजिए यहाँ 11 into 25। इसका डिनोमिनेटर 32 है, आपको पहले से 32 दिया है तो आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना, आप लिख दीजिए 1। ओके, एंड मल्टीप्लाई 3 8 24, 11 2 22 एंड 25, एंड सबका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 32। अब चेक कर लीजिए आपको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में अरेंज करना है तो लिख दीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑन अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन सा है 22 है, तो आप लिख दीजिए 22। देन व्हिच नंबर इज गिवन बिगर 24, फिर आप लिख दीजिए 25, और सबका डिनोमिनेटर 32 है। अब इनकी ओरिजिनल फॉर्म को भी लिखना है, इनकी ओरिजिनल फॉर्म लिखने के लिए 22 देखिए यहाँ आइए, इससे पहले इधर आइए और इससे पहले ठीक इधर आइए, मतलब आपका फ्रैक्शन था 11/16, ये बिगर है, ये स्मॉलर है, ये लिखेंगे। देन 24 इज गिवन हियर फर्स्ट प्लेस, पहले नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन दिया था 3/4 राइट हियर, वो हम यहाँ लिख देंगे। एंड थर्ड प्लेस किस नंबर इज गिवन 25/32 अकॉर्डिंग। ओके, सो वी अरेंज ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने उन्हें असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लिया है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर देन रिवर्स द ऑर्डर, अगर आप इसे डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो उस ऑर्डर को रिवर्स कर दो। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल इसी ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। अभी आप छोटे से बिगर, स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे थे, अब आपको कौन सा लिखना है बिगेस्ट नंबर, देन यू हैव टू राइट द स्मॉलर नेक्स्ट वंस। 25/32, 3/4 एंड देन यू हैव टू राइट 11/16। ओके, दीज आर योर क्वेश्चन नंबर 5। देन सब क्वेश्चंस आर गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन सिंपलीफाइड, आई हैव सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड रेस्ट ऑफ यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके, look at that, it is given question number 5 simplifying now the first is given 4 whole 2 upon 7 plus 1 whole 1 upon 2. Okay, now here we have to convert all the mixed fraction. It is these are mixed fraction, ये mixed fraction है ना? इनको convert करना है पहले in problem, तब इसे solve करें। कैसे करेंगे? 4 7 7 multiply 4 plus 2 upon 7, denominator वही रहेगा। इसे convert करना है तो 2 multiply 1 plus 1 upon 2, डिनोमिनेटर सेम 7 4 28 plus 2 upon 7 plus 2 1 2 plus 1 upon 2. ओके, 28 plus 2 30 upon 7 plus 3 upon 2. ओके,
take LCM and solve these fractions. So LCM is 14, 7 2s are 14, and 7 2s are 14, then write here 30 multiply by 2. This number se multiply karenge, pehle denominator ka divide karenge, is denominator se jis jo bhi number aayega usko multiply kisko karna hai numerator mein, and 30 multiply by 2 plus ab is denominator se divide kiye 7 sa 7 times, to 7 ka multiply kaha hoga 3 mein, 3 multiply by 7, 32 sa 60, 7 3 sa 21 upon 81 upon 1. Okay? This is your simplification. Some mock simplifications are given like that. G is given 3 whole power upon 8 plus 14 upon 2 minus 5 upon 4. Again, convert, first you have to convert in, mixed into improper, then you have to solve. So, if you convert the region, 8 is 24 plus 1, 20, 5 upon 8, plus 14 upon 2, and this is 14 upon 2, and minus 5 upon 4. LCM. Its LCM is when you have to take LCM of all numbers, the LCM is 8. Okay? 8 1s are 8, then 25 multiplied by 1, 25 multiplied by 1, 2 4s are 8, then 14 multiplied by 4, and 4 2s are 8, then it means 5 multiplied by 2. 25 plus 14 4s are 56 minus 10 upon 8. 56 minus 10, 56 minus 10, 46, and 25 plus 46 upon 8. Add it, 6, 5, 11, 1, carry 1, 2, 4, 2, 6, 1, 7 upon 8. If you want to convert into improper, then you may convert it. If you want to convert it, then you convert it. 7, 8, 8, 9 is 72, thoda zyada hai. आप 8 8 जा 64, it means 8 8 जा 64, and then 6 and 1 7, 7 upon 8. Okay, these times you have to solve all simplification. Okay, and after that some word problems are given. What are the word problems? From question number 6 to 10, these word problems are given. Now here we have to solve one by one. Start from 6. Question number 6. To look at that, Rahul traveled 4 whole 1/2 km. Rahul traveled 4 whole 1/2 km by bus and walked 1 whole 2/3 km to reach his home. Now, how much did he travel to reach his home? Matlab, Rahul pehle travel karta hai by bus kuch kilometer, and then he traveled, then he walked 1 whole 2/3 km to reach his home. Statement likhte hain pehle in dono ke liye statements. Distance covered by bus. पहले जो bus से distance cover की गई है वो कितनी है? That is given 4 whole 1/2 km converted into improper. 4 2 is 8 plus 1, 9. 9/2 km. Okay? And the some distances traveled by walking. So by walking, it will be covered
how much? 1 whole 2 upon 3 kilometer. 1 whole 2 upon 3 kilometer. 3 1 plus 3 plus 2, 5. 5 upon 3 kilometer. Now here you have to find how much distance will Rahul travel. राहुल ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या करना है आपको, दोनों जितने भी डिस्टेंस दी है तो उनको ऐड करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 3 एंड देन यू हैव टू टेक एलसीएम 3 2 6 राइट हियर 6 3 9 is 27, so 9 multiplied by 3 plus 2 5s are 9 3s are 27 plus 5 2s are 10 upon 6. 27 plus 10 it will be 37. 37 upon 6. If you want to convert, then convert it, otherwise leave it. अगर आप convert करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका आंसर ठीक है। यहाँ तक भी आप करते हैं तो भी ठीक है। 6 6 are 36, 6 just 36 and 1 remains upon 6, that 6 whole part upon 6 kilometer. Write your answer. Total distance traveled by Rahul is 6 whole 1 upon 6 kilometers. Okay? Now, your question number 7. Sakshi gave 3 whole 3 upon 4 liters out of 7 whole 1 upon 2 liter of juice she purchased to her friend. How many liter of juice is left with her? साक्षी गेव 3 होल 3 अपॉन 4 लीटर ऑफ जूस ऑफ 7 होल 1 अपॉन 2 लीटर ऑफ जूस परचेज ऑफ हर फ्रेंड। कुछ जूस जो उसके फ्रेंड्स ने दिया हुआ था, जो टोटल अमाउंट था वो आप यहाँ लिख लेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस given 7 whole 1 upon 2 liter. 7 whole 1 upon 2 liter converted into in proper 7 2s are 14 and 1 15. 15 upon 2 liter. Then jitna aapne use kiya hai wo kitna hai Sakshi used how much? 3 whole 3 upon 4 3 whole 3 upon 4 liter. Again convert into improper, this will be converted into 4 3 are 12 plus 3, 13 upon 3. Okay? Then you have to find how much juice is left. Means, आपको subtract करना है जो भी bigger quantity है से smaller की. Bigger quantity है जो total था juice और जिसमें आपने use किया, ठीक है? Quantity of juice left with her with her 15 upon 2 subtract 15 upon 4 find LCM, LCM is 4 एंड टू टूजा को टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 टूजा 30 और बंजा को 15 का मल्टीप्लाई वन में करेंगे 15 अपॉन टू कन्वर्ट इन टू इन प्रॉपर 4 थ्रीजा 12 3 होल 3 अपॉन 4 लीटर मीन्स राइट द आंसर हियर हाउ मच जूस इज लेफ्ट विद हर 3 whole 3 upon 4 liter of juice left over.
थ्री होल थ्री अपॉन फोर लीटर ऑफ जूस लेफ्ट विद ओके क्वेश्चन नंबर एट सिद्धांत सॉल्व 5/6 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सार्थक सॉल्व 10/11 ऑफ इट देखिए एक एक्सरसाइज है जिसे दोनों ने सॉल्व किया है कुछ पार्ट सिद्धांत ने और कुछ पार्ट सार्थक ने सॉल्व किया तो दोनों का पार्ट लिख लेते हैं फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे ग्रेटर माइंड हु सॉल्व द ग्रेटर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज पूछ रहे हैं किसने ज्यादा पार्ट सॉल्व किया होगा बस यू हैव टू राइट द नंबर्स देन यू हैव टू कन्वर्ट ओके क्वेश्चन नंबर एट length 11 whole 1/2 and breadth 8 whole 3/4 okay
लिखा है that you have to find the perimeter of a rectangular sheet. एक rectangular sheet है जिसका perimeter आपको find out करना है, जिसका length आपको पहले से पता है. How much the length is? Length is 11 whole 1 upon 2. Length is 11 whole 1 upon 2 centimeter. Okay, इसको convert कर लेते हैं improper में. Improper 11 to the 22 and 1, 23. It means it is 23 upon 2 centimeter. And breadth. Its breadth is 8 whole 3 upon 4. 8 whole 3 upon 4 centimeter. Again convert it to improper. 8 folds are 32 plus 3, 35. 35 upon. Then you have to find the perimeter. There is a formula to find the perimeter of any type of rectangle. Rectangle की perimeter find करने का formula होता है, और क्या होता है? 2 into L plus B. L plus B. Perimeter of rectangular sheet is equals to 2 into L plus B. जो भी आपने लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे सॉल्व करके लिखी हुई है वो आप यहाँ पे पुट कर दो. टू लेंथ कितनी है? 23 अपॉन 2. ब्रीथ हाउ मच? 35 अपॉन 4. ओके, फर्स्ट राइट 2 एज इट इज, ये आपको वैसे ही लिखना है. एंड टेक एलसीएम. 2 एंड 4 का एलसीएम कितना? 4. 2 टू जा 4, 23 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे. 23 टू जा 46. 4 बंदा 4 को 35 बंदा 35 राइट एज इट इज. अब 2 का 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 बंदा 2 2 नंबर्स ऐड करिए. 6 5 11 1 4 5 3 7 एंड 1 8 अपॉन 2. इट मींस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 40 को 1 अपॉन. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1. ओके.